हिमाचल के दो निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री मामले में जो सरकार 7 माह तक चुप रही, वही सरकार अब इस मामले के उजागर होने के बाद हरकत में आई है। अब सरकार कह रही है कि मामले में जांच के आदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग को दिए गए हैं। हालांकि अभी भी सरकार निजी विश्वविद्यालयों पर किसी तरह का सीधे तौर पर नियंत्रण न होने की बात कर रही है। प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में निजी विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय पर सरकार का सीधे नियंत्रण नहीं है, रेगुलेटरी कमीशन के माध्यम से ही इन्हें कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने माना कि प्रदेश के दो निजी विश्वविद्यालयों में लाखों फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं, जिसको लेकर UGC से पत्र भी विभाग को आया है। इसकी जांच के लिए रेगुलेटरी कमीशन को भेज दिया है। सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले सकती है। सरकार इस मामले को पुलिस और कमीशन को ही भेज सकती है, जो कर दिया गया है, और कमीशन ही इस पर संज्ञान लेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंतर्गत जो है बने हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाया है, और वो रेगुलेटरी कमीशन आज भी अभी तक एग्जिस्टेंस में है। हालांकि हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने उसे भी क्वेश कर रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपील कर रखी है और वहाँ से वो स्टे है, इसलिए वो चल रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वर्किंग पर जो है वो प्रदेश सरकार का सीधा सीधा कोई कंट्रोल नहीं होता, रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा ही हम जो है वो इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और उस दृष्टि से मैंने भी आपके अखबारों में जो है खबर पढ़ी है, जिसमें कि दो विश्वविद्यालय जो है वो उनकी डिग्रीज जो है वो फर्जी हैं या बेची गई हैं, इस प्रकार की जो है वो एप्रिहेंशंस उसमें शो की गई हैं। हमारे विभाग को इस प्रकार की चिट्ठी UGC से शायद काफ़ी समय पूर्व आई थी, जिसे विभाग ने रेगुलेटरी कमीशन को भेज दिया है, क्योंकि स्वयं सीधा हम जो है वो कोई संज्ञान नहीं ले सकते। हम या तो पुलिस को भेजेंगे अथवा रेगुलेटरी कमीशन को भेजेंगे। तो रेगुलेटरी कमीशन को भेजा है उन्होंने, अब रेगुलेटरी कमीशन स्वयं उसमें संज्ञान लेगा अथवा पुलिस के द्वारा जो है इसमें कोई तफ्तीश इत्यादि कराएगा। तो यदि इसमें जो है वो कोई फर्जीवाड़ा या क्रिमिनल इंटेंशंस के साथ जो है वो कुछ किया गया होगा, तो सरकार निश्चित रूप से जो है वो इसमें चाहेगी कि भी ठीक प्रकार से इसकी जो है वो जांच भी हो और क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जा सके, क्योंकि इसके कारण हमारे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी यूनिवर्सिटीज बाकी हैं जो सारे देश भर में चल रही हैं, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके विद्यार्थियों के साथ कम्पीट करते हैं ये, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फेक डिग्रियाँ बन जाएँ और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई करने के बाद भी जो है वो डिग्री हासिल ना कर सकें, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पर हम चाहेंगे कि इस पर जो है वो पूरी छानबीन हो और इसका पूरा पर्दाफाश किया जाए। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।